सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन में, जहां आप आते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक आई ऑइंटमेंट के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग बच्चों से लगाकर बुजुर्ग व्यक्तियों सभी के लिए समान रूप से किया जाता है। और यह ऑइंटमेंट तीन दवाओं का कॉम्बिनेशन है। वे दवाइयाँ हैं न्योस्पोरिन, पॉलीमैक्सटिन बी तथा बेसिट्रेसिन। और इस कॉम्बिनेशन की जो ऑइंटमेंट है, इसे आप में से काफ़ी दोस्त इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम से जानते हैं, जो कि है न्योस्पोरिन आई ऑइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो न्योस्पोरिन ऑइंटमेंट है उसका कॉम्पोजिशन यही रहता है, और उसी के बारे में आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल जानेंगे। जैसे कि ये न्योस्पोरिन के अलावा किस नाम से मेडिकल स्टोर मिल जाता है, क्या इसकी पैकेजिंग रहती है, जो दवाइयाँ हैं किस तरह से काम करती है, कितनी स्ट्रेंथ में मिलाई गई होती है, इस ऑइंटमेंट के क्या यूजेस होते हैं, आई के अलावा स्किन में कहाँ इसको प्रयोग लिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और आंखों में लगाने का सही तरीका क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको इस ऑइंटमेंट के बारे में मिल सके। साथ ही यदि चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। न्योस्पोरिन आई ऑइंटमेंट तथा स्किन ऑइंटमेंट, जिसे आप स्किन पे देख पा रहे हैं, यह मुख्यतः तीन दवाओं का कॉम्पोजिशन है, जिसके बारे में हमने जान लिया था। और इसमें जो दवाइयां हैं वो न्योस्पोरिन, पॉलीमैक्सेटिन बी तथा बेसिट्रेसिन है। और ये तीनों ही दवाइयां एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल है। इसके बारे में अलग सेपरेट जाने तो जो नियोमाइसिन है, ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को मारकर बीमारी को ठीक करता है। जो पॉलीमैक्सटिन बी है, ये बैक्टीरियोसाइडल है, यह सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर कार्य करता है, और जो उसकी सेल वॉल सिंथेसिस है उसको रोककर बैक्टीरिया को मारता है। और जो लास्ट में बेसिट्रेसिन जिंक है, यह बी बैक्टीरियोसाइडल है, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरिया को मारता है। और ये तीनों इस तरह से मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करते हैं। अगर इनके स्ट्रेंथ की बात की जाए, इस ऑइंटमेंट में कितने मात्रा में मिलाया गया होता है, तो जो नियोमाइसिन सल्फेट है यह 3.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, पॉलीमैक्सटिन बी 10,000 आईयू की स्ट्रेंथ में, तथा जो बेसिट्रेसिन जिंक है यह 400 आईयू की स्ट्रेंथ में होता है। और ये जो स्ट्रेंथ है प्रति ग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी जो पैकेजिंग आती है ऑइंटमेंट की, ज़्यादातर 5 ग्राम की पैकेजिंग आती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो न्योस्पोरिन जो ऑइंटमेंट है लगभग आपको 50 रुपये की MRP में मिल जाता है, और जो अदर ऑइंटमेंट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो हो सकता है कुछ 5 या 10 रुपये कम ज़्यादा इसकी रेट हो। बात करते हैं यह जो ऑइंटमेंट है न्योस्पोरिन के अलावा किस अन्य नामों से अवेलेबल है, तो इसमें नेबाजिन ऑइंटमेंट, नेबास्पोर ऑइंटमेंट, नेक्सपेरिन ऑइंटमेंट, नेसोप्रिन ऑइंटमेंट, ये कुछ पॉपुलर की ब्रांड है जो ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, आपको बताई है। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड मिले, आप इजीली खरीद सकते हैं, क्योंकि सबका कॉम्बिनेशन एक ही रहता है। और वैसे न्योस्पोरिन जो आई ऑइंटमेंट है फ्रीली इंडिया कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे जान लेते हैं इसकी यूजेस के बारे में, क्या इसकी यूज़ होते हैं, किन किन आई कंडीशन में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि एंटीबैक्टीरियल आई ऑइंटमेंट है, तो इसका जो प्रयोग है आंखों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, और साथ ही जो वायरल इन्फेक्शन है उसे भी ये ठीक करने का कार्य करता है। यदि किसी व्यक्ति को आँखों में जो सफ़ेद एरिया है, यहाँ पर सूजन आ गई हो, रेडनेस हो गई हो, या जो ब्लैक पार्ट है आँखों का, इसकी जो पहली परत है वहाँ पर सूजन आके रेडनेस हुई हो, साथ ही इरीटेशन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, और इसमें पस टाइप फॉर्मेशन या पानी आ रहा हो, तो इस स्थिति में यह जो ऑइंटमेंट है डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। और साथ ही इस स्थिति को हम कंजक्टिविटीज़ कहते हैं। और जो कंजक्टिविटीज़ है दोस्तों, मुख्यतः 2 से 3 प्रकार की होती है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन तीनों ही प्रकार के जो कंजक्टिविटीज़ है, इसमें न्योस्पोरिन ऑइंटमेंट काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को आंखों में किसी प्रकार से इंजुरी हो गई हो, गाव हो गया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स इंजुरी हो, किसी कंकर लगने से हुआ हो, किसी तिनके की चोट से हुआ हो, या किसी भी कारण से हुआ हो, तो उस इंजुरी को ठीक करने के लिए भी ये जो न्योस्पोरिन ऑइंटमेंट है काफ़ी फायदेमंद है। और इस ऑइंटमेंट को आँखों के अलावा अगर पलकों पर किसी प्रकार की चोट लग गई हो, या आँखों के नीचे जो ये एरिया है यहाँ पर चोट लगी हो, तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप इस ऑइंटमेंट को देखते हैं, तो इस पर आई ऑइंटमेंट तथा स्किन ऑइंटमेंट लिखा है, इसी कारण से इसका प्रयोग स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि स्किन पे छोटे मोटे बर्न हो जाना, कोई गाव हो जाना, रेडनेस हो जाना, या किसी प्रकार का पुराना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए ऑइंटमेंट
काफ़ी फायदेमंद है। और दोस्तों जो मैंने यूज़ बताएं हो सकता है इसके अलावा किसी अन्य बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसका प्रयोग लें। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो जो इसके साइड इफेक्ट है बिल्कुल इसके यूज़ के जैसे ही हैं। जैसा कि हम इसके प्रयोग लेते हैं आँखों की सूजन को, आँखों के दर्द तथा जो रेडनेस है इसको कम करने के लिए, लेकिन जब इसका साइड इफेक्ट होता है तो उसी समय आँखों में रेडनेस बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाती है, आँखों में से पानी गिरना, इरीटेशन होना, दर्द और जलन होना, ये बिल्कुल सामान्य है। यदि ऐसा हो या इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको लगे तो तुरंत ही अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोएं, साफ कपड़े से साफ करें और अपने डॉक्टर से मिलें जिसकी फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब बात करते हैं दोस्तों इस ऑइंटमेंट को किस तरह से लगाना होता है, हम जान लेते हैं आँखों में किस तरह से इसको डालते हैं। सबसे पहले प्रमुख सावधानी ये रखें, जब भी आपको ये आँखों में डालने के लिए दी जाए तो उस समय इसे आप फिंगर टिप पे लेकर आँखों में नहीं लगाए। ज़्यादातर देखा गया है कि फिंगर टिप पे लेकर आँखों में लगाते हैं, वो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा कर सकता है। इसके लिए आप डायरेक्ट जो ऑइंटमेंट है, जो ट्यूब है, पैकेजिंग है, उसको लेके अपनी आँखों में उस ऑइंटमेंट को लगाएं और उसको इस तरह से लगाना है जो अपनी आँख की लेयर है इसको थोड़ा नीचे खींच के जिस तरह से काजल लगाते हैं इस तरह से लगाना है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है लगभग आधा सेंटीमीटर एरिया में इसको स्प्रेड कर देना चाहिए और फिर आँखें बंद कर लें। और ऑइंटमेंट लगाने के बाद में कम से कम 20 से 25 मिनट आँखें बंद रखनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर इसको रात को सोते समय लगाने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है, लेकिन ज़्यादा अगर समस्या होती है दिन में 2 बार या दिन में 3 बार लगाने की भी सलाह दी जाती है। उस समय अगर सुबह और दोपहर में आप लगाते तो ऑइंटमेंट डालने के बाद 20 से 25 मिनट आप लेटर रहें, उसके बाद में साफ कॉटन के कपड़े से इसको साफ कर सकते हैं। और यह जो ऑइंटमेंट है बच्चों में तथा बुजुर्गों में और वयस्क में सभी में प्रयोग लिया जा सकता है। और बच्चों में भी इसको लगाने के लिए थोड़ी क्वांटिटी कम करें और दिन में 1 बार रात को सोते समय लगाएं तो काफ़ी अच्छा रहता है। इस ऑइंटमेंट को रात को लगाने पर जब सुबह आप उठते हैं तो आपको हो सकता है जो आँखें हैं थोड़ी चिपक जाए, तो उस समय आप गीले कपड़े से साफ कर लें, ये ऑइंटमेंट डालने के कारण हुआ है। और इससे घबराने की कोई बात नहीं, ये ऑइंटमेंट डालने के कारण हुआ है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इस ऑइंटमेंट का प्रयोग आप डॉक्टर की सलाह पर ले तो बेहतर है, और बाकी ये आप मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको फार्मासिस्ट बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी दे देंगे। तो दोस्तों ये सामान्य सी जानकारी नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट के बारे में मैंने बताई, जो आँखों के लिए तथा स्किन के लिए दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जोर से इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आए। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें, जो पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो मुफ्त में देख सके। आप तो अपने दोस्त मोहित दादी के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।